नमस्कार दोस्तों, ओल्ड इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एयरटेल डिश सेट करने का जो सही तरीका, क्योंकि आप एयरटेल डिश सेट करते हो तो आपके जैसे मान लीजिए मीटर में सिग्नल आ जाता है लेकिन आपके जो सेटअप बॉक्स होता है उसमें सिग्नल नहीं आ पाता है। और एयरटेल में जो आप सिग्नल सेटिंग करते समय क्या गलती करते हो तो उसकी जानकारी के लिए भी आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप एयरटेल के सिग्नल आप आसानी से मिला सकते हो, क्योंकि दोस्तों सिग्नल मिलाने से ही मतलब नहीं है, आगे की जो सेटिंग होती है उसे भी आपको करना होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको एयरटेल का डिश एंटीना सेट करना है तो जो एलएमबी का जो स्क्रू एंगल आपको -50 पे रखना है। अगर आप इस एलएमबी का स्क्रू एंगल आप -50 में नहीं करोगे तो आपका डिश एंटीना सेटअप नहीं होगा, क्योंकि मैन होता एयरटेल का स्क्रू एंगल सबसे अलग और ये -50 पे चलेगा। तो एयरटेल की जो एलएमबी का जो मुंह का पोजिशन हो रहेगा इस तरह से आप रहेगा। ये देखिए आप यहाँ इस तरह से कर सकते हो, और यहाँ पर भी जो जीरो होता है जीरो से आप यहां लास्ट लाइनिंग तक ले सकते हो, -50 यहां रहेगा। ये सेटिंग आपको करनी होगी। इसके बाद में होता है दोस्तों मैन फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास कांटे वाला मीटर है तो आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि कांटे वाले मीटर से अगर आप सिग्नल सेटिंग करोगे और साथ में अगर आप डिजिटल सेटेलाइट फाइंडर लगाओगे तो आपको जो सिग्नल सेटिंग में जो प्रॉब्लम आएगी ना वो नहीं आएगी। वो क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में दिखाऊँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम थोड़ा सा कनेक्ट करके दोनों को लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपका जो एलएमबी ख़राब होगा तो आपको ये दिखा देगा। अगर आपका सेटअप बॉक्स ख़राब होगा तो आपको ये दिखा देगा। ये आपको केवल सैटेलाइट यानी आप सिग्नल मिलाओगे तो सैटेलाइट का ही पता बताएगा कि यहाँ वीडियो कौन आएगा या एयरटेल आएगा। इसमें आप सैटेलाइट का पता लगा सकते हो और इससे आप एलएमबी का पता लगा सकते हो, सेटअप बॉक्स का पता लगा सकते हो। अब मान लीजिए आपने ये मीटर नहीं लगाया और सेटअप बॉक्स को कनेक्ट नहीं किया और डायरेक्ट आपने इस सर्विस केबल से सैटेलाइट फाइंडर को लगा लिया, तो आपको जो मान लीजिए बीच में आपका कोई आपने तो सिग्नल मिला लिया ना, यदि मान लो मैं आपको पूरा करके बताता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ केवल उस एक सिंगल सैटेलाइट फाइंडर लगा लिया। अब यहाँ जो या सर्विस केबल लग रही है आपके एलएमबी से, अब आपने जो मीटर में सिग्नल आ गया, ये देखिए मैं आपको मीटर में सिग्नल लेके बताता हूँ कि आप क्या कहेंगे कि सर मेरा तो मीटर में सिग्नल आ चुका है लेकिन जब मैं टीवी के पास जाता हूं तो मुझे सिग्नल नहीं मिल पाते। ये देखिए एयरटेल के हमें 13.6 dB सिग्नल मिल पाते हैं, हम जब सेटअप बॉक्स के पास जाते हैं तो हमें सिग्नल नहीं मिल पाते। अब इसे मैं यहां बंद कर देता हूं। ये देखिए मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ आपको समझने लायक चीज़ होती है, बात होती है, क्योंकि कई लोग कहेंगे जब हमारे पास ये सैटेलाइट फाइंडर है तो हम कांटे वाला मीटर क्यों लें। दोस्तों जब हमें प्रॉब्लम आती है ना तो हमें पता चलता है कि कांटे वाला मीटर कितना उपयोगी है, कितना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ तक तो आपने सैटेलाइट फाइंडर से कर लिया, लेकिन जो आगे की जो सेटिंग होती है, मान लीजिए आपका सेटअप बॉक्स ख़राब है तो आपको कैसे पता चलेगा, ये मीटर तो आपको सेटअप बॉक्स बताएगा नहीं। अगर आपका एलएमबी भी ख़राब है तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये मीटर आपको प्रॉपर तरीके से बताएगा नहीं। आप इस कांटे वाले मीटर से ही आप एलएमबी का और सेटअप बॉक्स का पता लगा सकते हो। अब बताएंगे कैसे हम पता लगाएंगे, तो वीडियो से बनते रहिए दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने दोनों ही मीटर कनेक्ट कर दिए हैं। अब मेन होता है देखिए, अब यहाँ आपको समझने लायक बात होती है, सीखने लायक बात होती है। अब इस मीटर को मैं ऑन करता हूँ। देखिए मीटर को मैंने ऑन कर दिया और एयरटेल का जो फ्रीक्वेंसी आप नोट कर लीजिए, एयरटेल सेट करना है तो आपका 11483 रहेगा। यहाँ मैं 83 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ 480 है, लेकिन आपको 11483 करना होगा। ये देखिए यहाँ 11482 होगा, सॉरी, तो यहाँ मैं थोड़ा सा 83 बना देता हूँ। ये 11483 फ्रीक्वेंसी आप नोट कर लीजिए एयरटेल का। ये देखिए एयरटेल का। अब यहाँ ये देखिए दोस्तों, आपको सिग्नल तो ये बताएगा लेकिन ये जो मीटर होता है ये आपको एलएमबी का बताएगा। ये देखिए थोड़ा सा आप सुई की रेंज बढ़ा दीजिए। अब यहाँ कि अगर आपका सेटअप बॉक्स ख़राब है तो ये जो 12 वोल्ट आ रहा है ना, ये वाला, या आप मीटर की सुई देख रहे हो घड़ी की, ये सुई आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ हमें जो वोल्ट मिलेगा ना, हम सैटेलाइट फाइंड से नहीं करेंगे। यहाँ इसको बंद कर देता हूँ मैं। यहाँ इस मीटर को हम सर्विस केबल से वो सेटअप बॉक्स का लगाएंगे तो यहाँ हमें 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो समझ लीजिए हमारा जो सेटअप बॉक्स आ रहा उसका हमें 12 वोल्ट इसमें मिल रहा। इस मीटर से तो आपको सेटअप बॉक्स भी चेक करने का तरीका मिल गया। और आप इस मीटर को हटा लीजिए। अभी तो क्या, मैंने 12 वोल्ट देने के लिए यहाँ इसको लगाया। अब इसको मीटर को हटाएंगे तो हम एलएमबी का भी पता कर सकते हैं कि कैसे हमारा एलएमबी सही है ख़राब। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ।
अब यहाँ मीटर पे आप देख रहे हो बिल्कुल वाइट पट्टी आ रही है, तो समझ लीजिए हमारा जो एल एम बी है यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा, ये एल एम बी यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा, या फिर हमें जो साइटोबॉक्स हो रहा वो यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इसमें आपको जैसे ग्रीन और रेड पट्टी आएगी तब मान लीजिए आपका कनेक्ट होगा। और दूसरा जैसे आप एल एम बी के हाथ लगाओगे, देखिए मैंने एल एम बी के हाथ लगा लिया, तो यहाँ अब ये देखिए जैसे ही हम एल एम बी के हाथ लगाएंगे तो ये सुई आगे पीछे बढ़े भगेगी, तो समझ लीजिए हमारा एल एम बी बिल्कुल सही है। अगर ये सुई स्थिर रह जाए आगे पीछे नहीं हो तो समझ लीजिए हमारा एल एम बी ख़राब है। तो इस तरह से दोस्तों आप एयरटेल की जो सिग्नल सेटिंग है वो कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका बताया। अब आप इस तरह से करोगे तो आपके जो सेटअप बॉक्स में सिग्नल भी आएंगे और आपका टीवी भी चलेगा। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई है, डिश एंटीना का स्क्रू एंगल सेटिंग बता दिया, एयरटेल का डिश एंटीना झुका हुआ रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।